हे गाइस, वेलकम टू यमी रेसिपीज़। तो आज हम लोग बनाएंगे अचारी भिंडी इन माइक्रोवेव ओवन। तो मेरे पास है आईएफबी माइक्रोवेव, तो उसमें मैं बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। तो उसके लिए मैंने भिंडी लिया है और इसको मैं दो भाग में ऐसे बीच से कट करके काट रही हूँ। तो बस ऊपर वाला जो होता है उसको निकाल देना है, बाकी बीच से चीरा लगा के करना। तो ये देखिए भिंडी काट लिया। उसके बाद जो माइक्रोवेव ट्रे दिया था उसमें मैंने भिंडी को रख दिया है। थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच तेल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे और इसको हमें ग्रिल करना है। तो ये देखिए जो ग्रिल मोड है इसको मैंने प्रेस किया है 20 मिनट्स के लिए। तो 20 मिनट के लिए हमें ग्रिल मोड प्रेस करके इसे चलाना है। तो जो ग्रिल है माइक्रो प्लस ग्रिल है, तो इसको हमें प्रेस करना है। तो ये देखिए हम घूम रहा है वो। 20 मिनट के बाद मैंने खोला, इसके बाद देखिए भिंडी बनके तैयार है। और इसके बाद हम मसाला बनाने का तैयारी करेंगे इसका। तो इसके लिए मैंने माइक्रोसेफ कंटेनर लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें हम डालेंगे हींग थोड़ा सा, और इसके बाद हम डालेंगे ब्लैक वाला राई और कलौंजी जो होता है वो डालेंगे, और उसको स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो ये कलौंजी है, ये मैंने डाल दिया। अब जो भिंडी है उसको मैंने थोड़ा रेस्ट टाइम दे दिया था माइक्रोवेव में ही, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा गर्म होगा तो अच्छे से निकालना है हमें। और इसको जो कंटेनर था इसको माइक्रोवेव करना है 3 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए स्टार्ट बटन को मैंने प्रेस किया है, तो 3 मिनट्स के लिए इसे माइक्रोवेव करेंगे हम। तो 3 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भिंडी है उसको इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसमें मैंने भिंडी डाल दिया है, बहुत अच्छा क्रिस्पी भिंडी ये हुआ है। जो 20 मिनट हमने लगा के जो रखा था बहुत क्रिस्पी है। और इसमें हम डालेंगे टमाटर, मैंने 1 टमाटर को चॉप कर लिया था फाइन, उसके बाद मैंने इसमें डाला है। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ, इसके बाद डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, रेड मिर्च पाउडर और चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा लेमन डालेंगे हम, लेमन का जूस, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद माइक्रोवेव मोड पे ही इसको रखना है। तो ये मैंने डाल दिया अंदर कंटेनर को, और माइक्रोवेव पहले टाइम सेट करेंगे हम। तो 4 मिनट में सेट कर रही हूँ और इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो माइक्रोवेव ही करना है इसको, जो भिंडी हमारा है। तो 4 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया। तो ये देखिए फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो भी टमाटर है उसको अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और जो भी टमाटर था वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गया है, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा अचारी भिंडी बनके तैयार है इन माइक्रोवेव। वैसे हम गैस पे तो बनाते हैं कढ़ाई पे, लेकिन माइक्रोवेव में ये फर्स्ट टाइम है। तो बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये वैसे मैंने आईएफबी में बनाया था, आपके पास जो भी माइक्रोवेव है आप उसमें बना सकते हैं, ग्रिल मोड में देन माइक्रोवेव मोड पे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।